कस्बे के इंडियन पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक हाजी जावेद हसन और नगर पालिका चेयरमैन हाजी वाजिद हसन के द्वारा तीन छात्रों को साइकिल और कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले दर्जनों छात्रों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। जनपद शामली के कस्बा कहमला में गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडियन पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक हाजी जावेद हसन व नगर पालिका चेयरमैन हाजी वाजिद हसन के द्वारा तीन छात्रों को साइकिल भेंट की गई और कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले दर्जनों छात्र छात्राओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल में पहुंचे पत्रकारों को नगर पालिका चेयरमैन हाजी वाजिद हसन द्वारा पत्रकारों को कलम व डायरी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रही। कहंदला से न्यूज 7 के ये नासिर अली की रिपोर्ट। बच्चों ने हमारे स्कूल में आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, उसके लिए और उनके एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए उनको जो है एप्रिसिएशन के लिए हमारे एक लड़की क्लास 6 की बच्ची है अफशा, उसने टॉप किया है, उसके 89% है। बॉयज में एक लड़का है जावेद, उसको क्लास 3 में उसके 76% है, उसके लिए उसको सेकंड प्राइज दिया गया। और मान क्लास 4 100% अटेंडेंस के लिए उसको अवार्ड दिया गया। ये भाई 26 जनवरी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे पास अपने संविधान कानून नहीं थे, जिसके लिए एक संविधान कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। उन्होंने हमारा कानून बनाया जो नवंबर में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। और उसी के उपलक्ष्य में हर साल जो है सभी स्कूलों में भारत के 26 जनवरी मनाई जाती है, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।